Nehan Beauty Shop, Zindabad. एक सवाल करती हूँ आपसे, क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए वोट मांगने जा रहे हो आप? उनका राजनीतिक बयान कभी भी अभद्र होते। मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। वीडियो की शुरुआत में आपने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का जो वीडियो देखा, इस पर बवाल हो गया है। दरअसल ये वीडियो हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी के प्रचार का है। इस वीडियो में वो पदयात्रा पर है, इलाके के लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों से मिलते ओवैसी रिहान बीफ नाम की एक कसाई की दुकान पर पहुंचते हैं। जहां पहुंचते ही उन्होंने दुकान का नाम पढ़ा और अपने हाथ में लिए माइक पर कहा, रिहान बीफ शॉप जिंदाबाद। आगे उन्होंने उस दुकानदार से हाथ मिलाया, खैरियत पूछी, दुआ सलाम की और फिर चलते चलते बोल गए, काटते रहो आप। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा मैदान पर है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम आपकी सीट कवर करें, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गूगल फॉर्म भरना है। बस बताना इतना है कि आपकी सीट पर क्या क्या मुद्दे हैं। कुछ सवाल और भी हैं, उनके जवाब हमें संतुष्ट करते हैं तो हम आपकी सीट पर ज़रूर आएंगे। अब लौटते हैं खबर पर। बस ओवैसी के इसी बयान पर विवाद छिड़ा हुआ है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद से ही बीजेपी ओवैसी के इस वीडियो का विरोध कर रही है और उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी कह रही है। हैदराबाद सीट से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने भी इस मामले में ओवैसी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि क्या मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि सिर्फ बीफ काटो और खाओ, ये लगातार ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं। भाई, इसके अलावा मैं आप एक सवाल करती हूँ आपसे, क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए आप वोट मांगने जा रहे हो? आप असेंबली इलेक्शंस पे भी उन्होंने ऐसे एक मुद्दा खड़ा करे है, शायद आपको याद नहीं है, तभी भी उन्होंने यही बताया, अगर आप AIMIM को वोट नहीं दोगे तो ये लोग आपको बीफ खाने नहीं देते। ये मुसलमान की जिंदगी को इतना छोटा क्यों बना के दिखा रहे उन्होंने? हम तो किसी को बोल के नहीं फिरते ना, तुम तरकारी खाओ, ये हमारे को फूट डाले तो तरकारी खाने देते, नहीं तो तरकारी खाने नहीं देते या चावल खाने नहीं देते। अरे यार, किसी की जिंदगी पढ़े लिखे होना, एक ऐसे होदे पे आना कि शान बने खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पैरों पे खड़े रहने की बात कहना चाहिए, जहाँ पे आप पढ़े लिखे हो जाओ। हाँ, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तो मेरे जैसा लॉयर बनो, ऐसा तो कुछ बोलना चाहिए ना। बीफ काओ का क्या मतलब है, बीफ काटो का क्या मतलब है? वोट मांगने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला उनको बोलने के लिए। माधवी लता के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो ओवैसी के इस बयान को अभद्र तक बता दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। ओवैसी जी जो अभी सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर है, वो ओल्ड सिटी हैदराबाद से जीत कर आते हैं, उनका राजनीतिक बयान कभी भी अभद्र होते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। सांसद भी असदुद्दीन ओवैसी जी भी और उनके छोटे भाई भी जो MLA हैं उधर, ऐसे ही एक्सट्रीम भाषण देने में माहिर है, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान आया। इस मामले पर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग ओवैसी के समर्थन में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव प्रचार है, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में उतरे हुए हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली लल्लन टॉप। शुक्रिया।